हाँ तो साहिबान कदरदान, आप पर कुर्बान मेरी जान, दो दो कदम पीछे हटकर एक हाथ की ताली बजाइए और आगे का खेल देखिए। आईसी पटेल अपने बड़े बेटे जीतू को अमेरिका भेजने के चक्कर में है, इसीलिए देवू भाई और अनीला कामदार के चक्कर को रंगे हाथों पकड़ने के चक्कर में है, और इधर हमारे योगी साहब राशियों के चक्कर में चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे हैं। सॉरी सर। इट्स ऑलराइट। ये लीजिए। ओह थैंक यू। सर आपके लिए एक स्पेशल आइटम आया है। सॉरी मैं हेल्थ डाइट पे हूँ। सर कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, समाज सुधार का चक्कर है। जिस चक्कर में पड़ा हूँ वही भारी पड़ रहा है। लेकिन पब्लिसिटी का तो सोचिए सर, एक तीर से कई शिकार हो सकते हैं। मींस पब्लिसिटी हर चमकती चीज को सोना बना देती है, तो आदमी का क्या कहना उसमें, और फिर बात से बात निकले तो कहीं की कहीं पहुंच सकती है। आप समझ गए ना? वेल समाज को ऊपर भेज दो, वो तो ऊपर ही बैठा है। आए नहीं अभी तक, किसी और को पकड़े क्या? अरे नहीं, आजकल इंपोर्टेड माल का क्रेज है, वैरायटी रहेगी। आगे हाय, 100 बरस तक जिएंगे आप। बस अभी अभी आप ही का नाम लिया। तो क्या आप ही लोग वो? जी हाँ, हम ही समाज विरोधी मंच के सुधारक, समाज सुधारक मंच के। ये मेहता, मैं गढ़वी। हाय हाय। ओके बैठिए ना, हैव अ सीट प्लीज। कम। नाउ शूट, कहिए। सर हमने सुना है कि आपने दहेज लेने से इनकार कर दिया। या हमारे समाज को आप जैसे आदर्शवादी युवकों की ही आवश्यकता है। हम दहेज विरोधी सप्ताह मना रहे हैं, एक हफ्ते तक ये सप्ताह चलेगा, आप भाषण करेंगे ना? साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, बट यू सी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़े ही दिनों के लिए इंडिया आया हूँ। सर ऐसे काम के लिए तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। इस दहेज की बुरी प्रथा ने हमारे समाज की जड़ों को हिला रखा है, अगर यही हाल रहा तो एक दिन हमारा पूरा समाज जड़ से ही टुकड़ा जाएगा सर। हाँ सर, और सिर्फ दहेज ही नहीं बल्कि इसके साथ जाति भेद भी है, छुआछूत, बाल विवाह, अंधविश्वास। बारी बारी हमें अपनी आवाज सबके खिलाफ उठानी पड़ेगी सर। सर ऐसे काम के लिए आपका आना बहुत जरूरी है, आप कहेंगे तो टाइम हम आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। सर क्या सर, टापी के हिसाब से चलना पड़ता है ना, ये दहेज विरोध का सप्ताह है, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। मेरा मतलब है आपको आना ही चाहिए सर। ये देखिए हम अखबार में न्यूज भी देंगे, ये है हमारा बाल विरोध का मैटर। बाल विवाह विरोध? बाल विवाह विरोध का मैटर सर। ओके वो फ्राइडे मॉर्निंग ठीक रहेगा आपको? अवश्य अवश्य, बापू जी की श्रद्धांजलि के बाद तुरंत कर लेंगे। बापू कौन? अपने बापू गांधी जी। ओ ये ऑफ कोर्स। फूलमालाओं से कोई इतराज तो नहीं होगा आपको? जी फूलों से क्या डरना। बाय द वे वहां पे कोई फोटोग्राफर्स वगैरह होंगे या मैं? अवश्य अवश्य, ये देखिए, लेकिन रेट्स कुछ अलग है। ओ हिंदी में आप ही पढ़िए। सिर्फ फूलमाला के साथ 100 रुपया, फूलमाला के साथ फोटो 200 रुपया, अखबार में रिपोर्ट 400 रुपया, और स्पेशल अखबार में फूलमाला के साथ रिपोर्ट लेने वाले को 600 के बजाय 500 रुपया, यानी कि 100 रुपये का डिस्काउंट। जी आई बाय द बेस्ट, सबसे जो महंगा है वही रखिए, लेकिन पैसा काम हो जाने के बाद नो एडवांस प्लीज। जैसी आपकी मर्जी। तो सर फ्राइडे को? डेफिनेटली, मॉर्निंग। गुड डे, बाय बाय, गुड डे। पगलाल, थैंक यू सर, सॉरी सॉरी सर, लेट्स गो। आइए सर, आइए। मैं करता हूँ, आई विल डू इट, थैंक यू। योगेश भाई आप अपना किताब भूल गए? ऑफ कोर्स, चलो। कुंभनारी, जीवन को सागर से पीने वाली, रस के सरोवर छलकाने वाली, हर एक पुष्प प्राणी पदार्थ के लिए प्रीत की बदरिया बनकर पृथ्वी पर आई हुई,
कुंभ नारी 12 राशियों में सबसे कौतूहल प्रिय नारी है। योगेश भाई ये आप उनका पेपर सब फिट एकदम क्या बस आपका ऑटोग्राफ मांगता है ये नक्की करने के वास्ते कि आप उन इंडियन है। तुम अभी तुम्हारे पास रखो मैं बाद में कर दूंगा। योगेश भाई बाद में कर दूंगा मगन लाल बोला ना। कुंभ नारी साहित्य कला खेल श्रृंगार आदि में उत्कंठा पूर्वक भाग लेती है। उसे सबसे अधिक उत्कंठा होती है धन संचय। उनका एक मकान है सुंदरनगर में अगर जरूरत पड़ा तो अपन उसे बेच डालेगा क्या ठीक कहना योगेश भाई। और अगर वो भी कमती पड़ा तो योगेश भाई अपन अपनी बीवी के सब गहने बेच डालेगा। अपन के यहाँ भी 20 तोले का लेन देन चलता है योगेश भाई क्या। ओके ओके योगेश भाई थोड़ा इंग्लिश में डिफिकल्टी होएगा पर आप हेल्प करेंगे ना तो अपन ट्राई करेंगे। ओके आइडियल वॉच कंपनी फेमस कोचिंग क्लासेस जीते हैं शान से चालू मेरा नाम जिंदा जला डालूंगा। क्या बक रहे हो। नहीं योगेश भाई आप उन जरा इंग्लिश का बोर्ड पढ़ता था कोई मिस्टेक हुआ क्या। नहीं ना नहीं लेकिन तुम सामने देख के गाड़ी चलाओ। अरे भाई देखो तुम समझने की कोशिश करो दो चार दिन के लिए मैं बाहर नहीं जा सकता दिल्ली से एक पार्टी आने वाली है। कैसी बातें कर रही हो नीला। अच्छा एक काम करो शाम को मिलते हो ओके। हाय देव भाई। हेलो योगी कैसे चल रहा है। बस मेहरबानी है आपकी। सही कहा तुमने एक दूसरे की मेहरबानी से ही तो दुनिया कायम है। अच्छा तो आज किसका नंबर है मतलब लिस्ट पर कौन है। लिस्ट के हिसाब से तो सरला की बारी है। ये सरला कौन है। वही कुंभ राशि। वैसे इनका फाइनेंशियल स्टेटस तो माइनस भी है लेकिन तुम राशि के हिसाब से देखने पर तुले हुए हो तो देख लो। वैसे अच्छे संस्कारी लोग हैं। ओके लेकिन ये आ कब रही है। आने तो वाली थी लेकिन अब वो आ नहीं पाएगी। क्या मतलब। उसके पैर में चोट आ गई है। तो कोई दूसरी लड़की देख लेते हैं। कुंभ राशि की कोई और लड़की भी तो नहीं। तो फिर एक काम करो तुम खुद चले जाओ तेजल बहन को साथ ले चलना आसानी रहेगी। अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड। ओके ओके बाय बाय। थैंक यू। अरे वो आ गए चलो सुनिए वो आ गए चलो चलो जल्दी चलो। आइए आइए तेजल बहन नमस्ते। नमस्ते पशा भाई कैसे हैं। आइए आइए तेजल बहन आइए। अरे इसी बहाने आपके दर्शन हुए। ओ आइए 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 बैठिए। हाँ हाय क्या हुआ। नहीं मतलब कैसे हैं आप। बड़ी मेहरबानी है वो जरा अच्छा पानी लाओ पानी। थैंक यू। माफ करना सरला नहीं आ सकी। नो प्रॉब्लम हमें खबर मिल गई थी। अच्छा अच्छा खैर बातें तो होती रहेंगी अंदर जाके कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं। नो आज साहब मैं ब्रेकफास्ट करके आ। अरे इसे आप अपना ही घर समझिए। हमें भी कुछ सेवा करने का मौका दीजिए। ऑफकोर्स अब सरला को मैं यहाँ बुलाऊं या आप। नहीं नहीं उसे क्यों तकलीफ देते हैं। चलिए चलिए लेकिन वो वाला ठीक कर लेते हैं। ओह या प्लीज आई एम सॉरी फॉर दिस यू नो। वैसे कोई तकलीफ हुई तो माफ करना हम ठहरे छोटे आदमी। ओह या नहीं मैं छोटा बड़ा मानता ही नहीं। अच्छा अच्छा हाँ हाय नहीं वो जूते धोने थे बखाने में वो आप जूते बदल पा रही है। चलिए वेरी नाइस हाउस वेरी प्रिटी। आप भी मजाक कर लेते हैं ना है। अरे नहीं 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 आप बैठे रहिए प्लीज। आप भी बैठे ना। थैंक यू। आप दोनों बातें कीजिए मैं आता हूं। ओके लड़का कैसा है। ठीक है थोड़ा दुबला है। संकोच ने
नहीं करना योगेश भाई। ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। योगेश भाई जी भर के देख लो, जी भर के बातें कर लो, कोई जल्दी नहीं, लड़की लाखों में एक है। देखो अंकल ये सब सरला दीदी ने अपने हाथों से बनाया है। इज दैट राइट? वंडरफुल ग्रेट। चल नहीं मैं यही रहूंगी। चल ले बुढ़ा। स्टडीज मिस सरला पटेल बी ए। हाँ गुड वेरी गुड। अच्छा पास आ गया, पास आ गया, पास आया। और हॉबीज क्या क्या है? कुछ नहीं लेकिन कुकिंग की हॉबी तो जरूर होगी, इतना डिलिशियस जो बनाया आपने सब कुछ। वेरी कलरफुल। और मूवीज का शौक है? मूवीज पिक्चर्स फिल्म्स नहीं, ड्राइंग पेंटिंग एक्सेट्रा? एम्ब्रॉयडरी वेरी ब्यूटिफुल। वाह लेकिन आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं, मैं ही अकेले बोले जा रहा हूं। मैं अभी आया। क्या बात है योगेश भाई? लगता है भाभी कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? लगता है लड़की गूंगी है। अरे नहीं तो? नहीं तो क्या, इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ कुछ बोलती नहीं है। तुम भी कमाल करते हो योगेश भाई, ये अमेरिका नहीं है, यहाँ लड़कियाँ शर्माती है, एक अनजान लड़के से अकेले में बात करना कोई मजाक है क्या? फिर भी? अरे फिर भी कुछ नहीं, मैं तो शादी के बाद भी नहीं बोल पा रही थी। जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। जाओ ना। वो भाभी से कुछ पूछना भूल गया था। लेकिन आखिर ये चोट आई कैसे? मोच आ गई। हाँ क्यों, क्या हुआ, क्या था वो? मैं खाना बनाकर बाहर आई तो। ओके ओके, लेकिन कुछ मरम पट्टी नहीं दिखाई दे रही? वो मालिश की थी। हाँ ओके, बहुत तकलीफ हो रही है? इसका मतलब बिल्कुल चल फिर नहीं सकती? अरे वो दो चार दिन में। ओके ओके, मैं अभी आया। अभी क्या है? लड़की लंगड़ी है। उसे पैर में चोट आई है। अरे काहे की चोट, ना मरम पट्टी ना सूजन ही। बेकार में शक करते हो, ये लोग ऐसे नहीं है कि किसी को ठगे। पर पता कैसे चले? हाँ किसी बहाने उसे। किसी बातें करते हो, अब आजकल के जमाने में उसे चलवा के देखना चाहते हो? ये बताओ कि लड़की कैसी है? लड़की तो अच्छी लग रही है। तो जाओ, बार बार मत आना उसे छोड़कर। अरे जाओ भी। देखो सरला तुम मुझे अच्छी लगती हो। हाथ रखा, हाथ रखा। अरे कंधे पे हाथ नहीं रखता है। तुम भी तो कुछ बोलो, तुम नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा? आफ्टर ऑल तुम्हारी भी जिंदगी का सवाल है। आप, आप, हाँ बोलो बोलो। आप भगवान को मानते हैं?
कर्नल थोड़ा थोड़ा तो जरूरत पड़ने पर लेकिन अंधविश्वासी नहीं हूं मैं नहीं मानती आपको इतराज तो नहीं ना ना प्रॉब्लम इतराज कैसे व्रत उपवास भी नहीं करती आजकल काम करता है कुंडली साधु संत ज्योतिष कुछ नहीं मानती और आप मैं भी नहीं मानता हूँ मतलब कभी कभी यू ही यू नो एंटरटेनमेंट के लिए समझो नहीं मानता अब मुझे तसल्ली हो गई पहले ही बता दिया मैं तो डर रही थी पता नहीं बाद में क्या हो केयरफुल ऑफ गम च्युइंगम अच्छा एक बात बताओ लड़कों से तो हमेशा पूछा जाता है कि लड़की पसंद है कि नहीं लड़कियों से कभी नहीं पूछते कि लड़का पसंद है कि नहीं बोलो इसमें शर्माने की क्या बात है अब इस बात का मैं क्या जवाब दूं अच्छा मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि तुम्हें लड़का पसंद है कि नहीं आप मजाक कर रहे हैं सच में बोलो ना मैं तो सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे आप जैसा पति भी मिल सकता है क्या ऐसी क्या खास बात है मुझको एक तो आप इतने सुंदर हो और ऊपर से दहेज भी नहीं ले रहे हाँ वो तो मामूली बात है यू नो आपके लिए होगी हमारे लिए नहीं दहेज की फिक्र में ही पापा को दमा हो गया आई नो सब लाखों रुपए मांगते हैं कैसे लाखों रुपए मांगते हैं और कहां से ले आएंगे हम इतने पैसे पर आप दहेज नहीं ले रहे इस बात से मैं बहुत ही प्रभावित हुई हाँ एक आदमी तो निकला जिसे दहेज का लालच नहीं ओके लेकिन इस बात का जिक्र किसी और ने नहीं किया औरों के पास पैसा होगा हम तो अपनी जानते हैं खैर तुम मुझे बहुत अच्छी लगी शायद मुझे तुम जैसे लड़की की तलाश थी अच्छा तुम मैं चलूं फिर अब मिलूंगा जल्दी ना? मैं इंतजार करूंगी पता नहीं बाद में क्या होगा कुछ नहीं जो होगा वो अच्छा ही होगा ओके तुम्हें चलता नहीं नहीं तुम बैठे रहो तकलीफ बढ़ जाएगी ओके ऐसा शोभा नहीं देता अच्छा योगेश भाई क्या जा रहे हैं हाँ लेकिन खाना तो खा के जाइए नहीं अभी देर होगी फिर कभी अरे बहुत देर हो गई कैसी आ रहा सब चौपट कहा था कि खड़ी मत होना फिर भी नहीं खड़ी होना था अब कहां से ढूंढे तुम्हारे लिए खंबे जैसा लड़का लड़की कैसी लगी आप भी कमाल करती है भाभी आप लोगों को पहले पता लगाना चाहिए था ना कि लड़की मुझसे लंबी है तब लंबी हुई तो क्या हुआ अरे आजकल के जमाने में लड़के भी हाई हील्स पहनते हैं तुम भी पहन लेना कौन सी तुम्हें उसकी नुमाइश करनी है नुमाइश नहीं करनी है तो क्या हुआ घर में भी क्या मैं हाई हील्स पहन के रहूं अब घर में कौन देखने वाला है मैं तो हूँ भाभी मैं आदमी से औरत लंबी हो सुना है कभी भाई आजकल के जमाने में तो वो ही हो रहा है जो ना कभी देखा था ना सुना था ओके बाय बाय सोना बाय अरे योगेश भाई आप कहाँ जा रहे हो मैं जरा जाके आता हूँ आप लोग से लिए और बता देना सब आ जाओ योगेश अंकल आ जाओ योगेश भाई हाँ
अपन को फॉर्म ले आया। फॉर्म? कैसा फॉर्म? वही अमेरिका जाने का। गाड़ी की चाबी कहाँ है मगन लाल? अंदर लगेगा। वेरी गुड, गुड डे, थैंक यू। क्या हुआ, क्या हुआ योगेश भाई? मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, आप यहीं बैठे। Well,